वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दवा संबंधित जानकारियों के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआर स्पंज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मुपीरोसिन के बारे में जानेंगे। मुपीरोसिन क्या है, क्यों यूज किया जाता है, इसके बॉडी में प्रभाव कितने समय तक रहता है, मुपीरोसिन के यूज में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट क्या क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। मुपीरोसिन एक लोकल स्किन एंटी इन्फेक्टिव वर्ग की दवा है। यह एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग त्वचा संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। यह दवा बैक्टीरिया के आरएनए को बांधती है और उनके लिए आरएनए संश्लेषण और सेल दीवार के गठन को रोकती है। यह उनके विकास को रोकती है और उन्हें कमजोर भी करती है ताकि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे नष्ट कर सके। विभिन्न त्वचा संक्रमण के लिए यह प्रभावकारी दवा है। आइए अब इसके यूज के बारे में जान लेते हैं। मुपीरोसिन का मुख्यतः उपयोग एक एंटीबायोटिक क्रीम के रूप में स्किन इन्फेक्शन से लड़ने और उन्हें ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग किसी कारण स्किन पर घाव हो गया हो या जलने की वजह से घाव हो गया हो तो इस दवा का यूज किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग इम्पेक्टिगो में भी इस दवा का यूज किया जाता है। इसके अलावा फोलियोकोलाइटिस, जिसमें बालों की जड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है, ये कहीं भी हो सकते हैं, हाथ में, पाँव में, पीठ पर, छाती पर, सभी जगह हो सकते हैं जहाँ बाल हैं, उस स्थिति को ठीक करने के लिए इस दवा का यूज किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग सर्जरी के घाव को ठीक करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके अलावा फोड़ा फुंसी, स्किन इन्फेक्शन के रोकथाम में, त्वचा पर खरोच, त्वचा का लाल पड़ जाना, छाजन में जीवाणु संक्रमण, इन सब दिक्कतों में भी इसका यूज किया जाता है। सावधान, किसी भी प्रकार की दवा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें। आइए इसके प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। मुपीरोसिन का लगाए गए स्थान पर इसका प्रभाव लगभग 10 घंटों तक रहता है। आइए इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। मुपीरोसिन को लगाए गए स्थान पर कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इनमें जलन होना, टिंगनिंग सेंसेशन होना, रैश होना, एलर्जिक रिएक्शन होना, खुजली होना, ये सब साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आइए इसके उपलब्धता के बारे में जान लेते हैं। मुपीरोसिन मेडिकल शॉप पर क्रीम और ऑइंटमेंट के फॉर्म में उपलब्ध है। अगर आप इस दवा को खरीदने जा रहे हैं तो आपको इसके ब्रांड नेम की जरूरत पड़ेगी, तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप वहां से विजिट कर सकते हैं और दवा ले सकते हैं। हो सकता है जो ब्रांड नेम दिया गया है वो आपके एरिया में या डॉक्टर के अकॉर्डिंग कुछ और नाम से भी मिल सकता है, पर इसका मूल नाम या कम्पोजिशन नेम मुपीरोसिन ही रहेगा, तो आप उसे ले सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे बात कर सकते हैं। आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी और को भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, जिससे हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।